हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक हमारा इन्वर्टर है, उसकी जो बैटरी लाइफ है और जो इन्वर्टर की खुद की लाइफ है वो उसको कैसे बढ़ाया जाए, और उसको मतलब कि सुचारू तरीके से चलाने के लिए मतलब कि आपके पास क्या क्या आप कर सकते हो जिससे कि आपका ना तो इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आए और ना ही कभी आपके बैटरी में प्रॉब्लम आए। तो एक ये मैं आपको इन्वर्टर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है माइक्रोटेक का UPS है, 860 EB का, जो कि अभी चार्जिंग कर रहा है। और इसके साथ ही हमारे पास आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास एक इसकी बेस चैम्पियन बैटरी है, एक्साइड की बैटरी है, जो कि जिसके कि मुझे कम से कम भी इसके साथ चलाते हुए कम से कम 6 साल हो चुके हैं। तो जिसके आप देख सकते हो कि इसमें इस टाइम काफ़ी ख़राब हो चुकी है बैटरी, थोड़ी किसी तरह से इसमें से कुछ पड़ा है इसके अंदर, क्योंकि इसकी सफाई नहीं की गई है काफ़ी दिनों से। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो जो भी है हमारी बैटरी जैसी भी है, इसके अंदर हम आप सबके सब पहले तो इसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे हम इसको, किसी भी तरह से इसको पूरी तरह से क्लीन करना है। एक कपड़ा लीजिए जिसमें कि आपको एक थोड़ा सा हल्का सा पानी लेकर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, पहले सूखे कपड़े से करिएगा, उसके बाद फिर गीले कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। इसको साफ़ करने के बाद जो भी इसके ऑल अराउंड जाले और ये सारा कुछ लगा हुआ है आपके बॉक्स में, ये हमेशा क्लीन करना चाहिए आपको, क्योंकि महीने में एक बार इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारे आप ये लेवल इंडिकेटर्स देख रहे हो, ये हमारे लेवल इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, ये 6 होते हैं हमारे पास में। तो इन 6 के लिए हमें करना क्या है, अब देखिए ये लेवल जो इंडिकेटर आप देखते हो, ये ग्रीन लाइन लगी होती है, ये रेड लाइन लगी होती है। तो जो हमारी रेड लाइन से अगर नीचे चले जाता है ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी कम हो गया है। इसी तरह से हमारा ये है, इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये ग्रीन है इससे और ये रेड से नीचे जा चुका है, मतलब लेवल इसमें पानी का कम है। इसी तरह ये ग्रीन देखिए रेड लाइन से नीचे जा चुका है, उसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनको वाटर को लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें ग्रीन लाइन तक लेके आना सबको, ताकि हमारी बैटरी सुचारू रूप से चले। अब देखिए जैसे भी हुआ है, ये जो निकल रहा है ये इतना से तेल है जो अंदर से बैटरी निकाल रही है, क्यों? क्योंकि ये गर्म होता है, जिसकी वजह से जो एसिड होता है वो गर्म होकर भाप बनकर बाहर आता है, और उसकी वजह से ये बैटरी ख़राब होने शुरू हो सकती है। तो इसको अब हम करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, अब एक हम कपड़ा लेंगे, उस कपड़े से हम इसको क्लीन करेंगे। पहले जो जितने भी इसके ऊपर डस्ट है हम उसको क्लीन अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसे कपड़े से पहले साफ़ कर चुके हैं, अब हमें करना क्या है, कपड़े को आप थोड़ा गीला करेंगे, और गीला कर कर जितना भी इसके ऊपर ये डस्ट जो लगा हुआ है हमारा, इसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। जितनी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए उतना रहेगा आपके लिए अच्छा, क्योंकि जितना भी अंदर से जो एसिड्स होते हैं वो बाहर की तरफ को आते हैं। तो आपको कोशिश यही रखनी है कि जितना ज़्यादा हो सके इसको साफ़ कर लीजिएगा, हर तरफ से कर लीजिएगा साफ़ इसको, इतना भी हो सके।
अब ये देखिए आपके जो बैटरी है वो कुछ हद तक थोड़ा साफ दिखने लग गई है। अब दोस्तों एक बात है, जैसे आप इसको साफ करेंगे तो थोड़ा सा साफ कीजिएगा इसको थोड़ा आराम से प्यार से, जिससे कि आपको, वैसे तो 12 वोल्ट का होता है इसमें, इतने में कोई ख़तरा नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा करते हुए, जिससे आपको कोई वो ना हो जाए। अब ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, आपकी बैटरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसके आसपास की जगह को भी कोशिश किया गया कि साफ़ किया जाए। अब दोस्तों हम इसके अंदर जो ये पानी की लेवल की कमी है, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसको पूरा करेंगे। अब जिसमें ज़रूरत नहीं है उसको तो आप मत ही खोलिए, जैसे ये है इसको आप खोलने की कोशिश खोल रहे हैं, इसको खोल कर बाहर रख लीजिएगा। इसी तरह से इसको भी ये कुछ कई बार फंसती हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी दोस्तों देखिए, दोस्तों हमने सब कुछ ये बाहर निकाल ली है इसकी नॉब्स, और इसके बाद आपको क्या करना है, ये डिस्टिल्ड वाटर लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, बैटरी वाटर जिसको बोलते हैं, या कोई भी डिस्टिल्ड वाटर आप ले सकते हो। तो इसको हम अब इस बैटरी में डालेंगे, देखिए कैसे गिलास के थ्रू आप अपने इसको डाल दीजिए, उसके बाद इसको आप लगा के देखेंगे। अब देखिए अगर हम ये निशान देखते हैं तो ये आधे में आ चुका है, मतलब कि आधा है, और ये हमें ग्रीन तक लेके आना है, तो अभी इसमें हमें और डालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, अब हमने उसको ग्रीन लेवल के बराबर कर दिया है, इसी तरह से हम बाकी सब में भी करेंगे। मतलब जितनी आपको जिसमें ज़रूरत हो उतना आप कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। देखिए अभी भी आग हाफ में है, इसको हमें और ज़्यादा डाल दीजिए, मतलब आपको ग्रीन लाइन तक करना है इसको। देखिए तीनों ग्रीन लाइन तक हो चुके हैं, अब इसी तरह से बाकी सब में भी करना है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने लगभग सबकी जो हमारी लेवल है वो सबके हमने बराबर कर दिए हैं, देखिए आपके सामने है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर पानी वगैरह पड़ा है उसको आप साफ़ कर लीजिएगा अच्छी तरह से, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए इसमें, या कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सब कुछ यहाँ से साफ़ हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपको करना क्या है, ये जो आपने प्रोसेस में आपको बताया, ये प्रोसेस आपको महीने में एटलीस्ट एक बार करना ज़रूरी है, ताकि इनका लेवल मेंटेन रहे। अगर इसमें पानी मेंटेन रहेगा तो अंदर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी हैं हमारे लिक्विड्स हैं इसके अंदर जो भी, वो सारे के सारे अच्छे तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि
अगर आपके यहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है, आपका इन्वर्टर मतलब कि ज़्यादातर काम पर ही रहता है, इन्वर्टर में आपका बैकअप देता रहता है कंटिन्यू, तो उसके उससे होता क्या है कि जो मीटर के अंदर जितना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, जिसकी वजह से गर्मी गर्म होती है बैटरी। बैटरी गर्म होने की वजह से जो हमारे अंदर लिक्विड है इसके अंदर जो भी हमने डाला है इसमें पानी जो भी है डिस्टिल्ड वाटर, वो जल्दी से जल्दी उड़ता है, ख़त्म होता है मतलब उसके अंदर से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लाइट ज़्यादा जा रही हो तो आप कोशिश करें कि महीने में 2 या 3 बार आप इस लेवल को चेक करें, जिससे कि आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों ये था, इस बैटरी को अच्छा बनाने के लिए जितना बेहतर आप कर सकते हो उतना बेटर करने के लिए और बैकअप देने के लिए कि आपकी बैटरी अच्छी से अच्छी बैकअप दे एक इन्वर्टर के साथ। तो आप इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।